हेलो दोस्तों, फूडी एडवेंचर के साथ खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों आज हम आए हैं कोकण में, कोकण सिंधुदुर्ग में। बहुत ही फेमस वेंगुला नाम का गांव है वहाँ पे। ये गांव बीचेस और टेंपल्स के लिए तो फेमस है ही, बट उसके साथ यहाँ का सी फूड बहुत ही फेमस है दोस्तों। और बहुत फ्रेश आपको सी फूड यहाँ पे खाने मिलेगा। तो अगर आप वेंगुला में आते हो यहाँ पे कभी और आपको सी फूड खाने की इच्छा होती है, तो आप रेडकर बंधु यहाँ पे आप सी फूड खाने पक्का आ सकते हो। ये एग्जैक्टली लोकेटेड है जो रामेश्वर टेम्पल है, ये सामने रामेश्वर टेम्पल है, उसके जस्ट 2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी इंडिविजुअल पार्किंग भी है, मैं आपको पार्किंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्किंग है, बाइक पार्किंग भी है यहाँ पे, आप बाइक पार्क कर सकते हो। और यहाँ पे इनकी फोर व्हीलर की भी पार्किंग है, आप आराम से अपनी फोर व्हीलर यहाँ पे शेड के नीचे लगा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकी फोर व्हीलर की भी पार्किंग है, फोर व्हीलर पार्किंग यहाँ पे पार्क कर सकते हो आराम से। पूरा होटल में आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी सेटिंग अरेंजमेंट है, बहुत ही स्पेशियस है, आराम से बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे बैठ सकती है। आप यू कैन हैव बांगड़ा थाली, सौंदा, कोलम्बी, चिकन भी मिलता है यहाँ पे, सुरमई थाली, पापलेट थाली, सरंगा, करली, उसके साथ आपको भाकरी मिलेगी, चपाती मिलेगी एंड राइस आप खा सकते हो। तो दोस्तों हम जा रहे हैं किचन में, इनका किचन है। और आप देख सकते हो किचन बहुत ही क्लीन है, जी उसके बारे में मैंने बात की थी, फ्रेश फिश, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि फ्रेश फिश यहाँ पे मिलते हैं, मतलब जैसे हम मुंबई में खाते हैं वहाँ पे आपको फ्रेश फ्रेश नहीं मिलेंगे, वो 2-4 दिन 5 दिन जो फ्रीज में रख के, बर्फ में रख के खाते हैं वो मिलेंगे, बट यहाँ पे यू विल गेट ऑल फ्रेश फिश जो लेस देन 24 आवर्स, मतलब कल जो फिश आते हैं वो आज हमें खाने को यहाँ पे मिल जाएंगे, इतने फ्रेश होते हैं ये फिश। ये जो हम देख रहे हैं वो है सुरमई किंग फिश जिसे हम बोलते हैं गोवा में, और यहाँ पे सुरमई बोलते हैं। And this is fresh seafood getting ready to eat and serve the customers. ये और आप जो थाली मंगाते हो उसके साथ आपको ऑप्शन चपाती या भाकरी दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा, वो यहाँ पे बन रहे। और ये जो आंटी है इसकी ओनर है, नमस्कार काकी। द साइज ऑफ द सुरमई बहुत बड़ी है, ऑलरेडी इन्होंने ये कट करके यहाँ पे रखी है, और जो बची हुई यहाँ पे ऑलरेडी दिस बिग इज द सुरमई, ऑलमोस्ट ये 10-12 kgs की होगी। और ये है पापलेट फिश जो कल ही आए थे, जिसे हम मैकरल भी बोलते हैं। यहाँ पे आप अगर आओगे तो आपको फ्रेश फिश खाने मिलेंगे, सी फूड आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे वैरायटीज ऑफ डिशेस यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे फ्राई फिश है, है क्या है, ए बांगड़ा का टिकला, बांगड़ा टिकला, फिश टिकला जिसे हम बोलते हैं वो है, कॉम्बिनेशन ऑफ है इसका सगे मछली राइट, ये बांगड़ा का, ओके, ये भिंडी का टिकला है, अच्छा ओके। जिनको वेज भी चाहिए वो भी यहाँ पे मिल सकता है, वेज भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप उस दिन फास्ट होगा गलती से आपको वेज खाना है तो वेज भी मिल जाएगा।
बट मोस्टली यहाँ पे सी फूड एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों हमारी सुरमई थाली आ गई है। लुक एट द साइज ऑफ द सुरमई, इट्स वेरी बिग। ये सोल कड़ी है, दिस इज बांगड़ा करी विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैकरल। ये टिकला बोलते हैं इसको, ये फिश से बनाया जाता है, थिक चटनी टाइप होता है विच इज मेड ऑफ अ बांगड़ा। कोकोनट चटनी, चपाती, भाकरी, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, रायता, सम अनियन एंड लेमन, एंड लुक एट द साइज ऑफ द किंग फिश, इट्स ऑसम। लेट मी टेस्ट। टेस्ट इज ऑसम। लेट मी ट्राई विथ सम टिकला। टिकला इज वेरी टेस्टी, थोड़ा स्पाइसी है बट फाइन। बांगड़ा करी ऑल्सो वेरी टेस्टी। छोटीशी झोपडी कशी काढून एक हॉटेल सुरू केलं, आता त्याचं मोठं एक मोठ्या हॉटेल मध्ये रूपांतर झालेलं आहे। कारण लोकांना आमची चव अगदी जिभेवर रेंगाळते, आमची चव आणि चव आमची एकदा जेवलेला माणूस आमच्याकडे परत येतोच येतो असं। आणि बाहेरची माणसं आमच्याकडे विचारत विचारत येतात, म्हणजे रेडकरांचं हॉटेल कुठे आहे, रेडकरांचं हॉटेल कुठे आहे, रेडकरांची खाणार कुठे आहे। आणि जे जे पण कस्टमर्स इथे येतील त्यांना इथे काय काय मिळेल ऑप्शन्स खायला, म्हणजे फिश सी फूडमध्ये आमच्याकडे किंग फिश आहे, सुरमय आहे, बांगडा आहे, पॉम्पलेट आहे, मॅकरल आहे, सावंदाळ आहे, मोरी मटन आहे, मुशी म्हणतात ते, म्हणजे बेबी किंग फिश, बेबी शार्क फिश, कालू असतात, शिंपले असतात आणि हां जेल फिश म्हणतो, आणि प्रॉन्स असतात, प्रॉन्स आमचे स्पेशल असतात, व्हाईट प्रॉन्स, असे जवळजवळ सगळे आयटम असतात, फक्त खेकडे सोडून सगळे आंबे आयटम बनवतात। आणि टायमिंग काय, म्हणजे किती ते किती टायमिंग? आमचे 12 वाजता दुपारी सुरू होतं, ते रात्री साधारण 11 वाजेपर्यंत चालू असतं, 12 ते 11 रात्री 11 वाजेपर्यंत चालू असतं। आणि तुम्ही मला काय सजेस्ट कराल आता? तुम्ही काही तुमच्या आवडीनुसार काही घेऊ खाऊ शकता। किंग फिश सांगा मला, पण किंग फिश थाळी, त्याच्यावर चपाती भाकरी चपाती पण भाऊ घेऊ शकता तुम्ही, घेऊ शकता, एक चपाती घेऊ शकता, एक भाकरी घेऊ शकता। आणि हे एक्झॅक्ट लोकेशन सांगाल का? एक्झॅक्ट लोकेशन म्हणजे वेंगुर्ल्यामध्ये रामेश्वर मंदिर आहे, त्याच्या बरोबर बाजूला आमची खानावळ आहे, रामेश्वर मंदिरच्या बाजूला, रेडकर बंधू म्हणा, गुगलवर तुम्ही सर्च केलं तरी रेडकर बंधू भोजनालय मिळेल तुम्हाला। थँक्यू। मैं और एक अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो जस्ट राइट साइड में इनका स्टे फैसिलिटी भी है, तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो और साथ में सी फूड भी एंजॉय कर सकते हो। बीच यहाँ से जस्ट 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे, 5 to 7 मिनट्स के डिस्टेंस पे। सुरमई थाली इज ऑलमोस्ट ओवर, तो अभी जो सोल कड़ी हम पीते हैं वो अभी मैं पी रहा हूँ, 1 फुल ग्लास ऑफ सोल कड़ी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।